तो दोस्तों आज से 1 साल पहले अगर हमें कोई बाहर जाना पड़ता था तो फ्रेंड्स हम ये देखते थे कि हमने क्या हमारा मोबाइल लिए, हम क्या हमारा वॉलेट लिए। लेकिन दोस्तों अभी समय ऐसा आ गया है कि हमें कहीं बाहर जाने पर से पहले हमें तो ये देखना ही है कि हमने मोबाइल लिया, वॉलेट लिया, और हमें ये भी देखना है कि हमने क्या मास्क लिए, हमने क्या सैनिटाइज़र कैरी किए, फिर हम घर से बाहर निकलते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स इससे हमें पता चला कि बदलते टाइम के साथ साथ बदलना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि यूट्यूब में भी, यूट्यूब में अगर अगर मैंने पहले मेरी पहली वीडियो आप देखने जाए हो तो दोस्तों पहली को वीडियो में मैं मेरा जो वीडियो क्वालिटी है तो फिर इसी तरीके की होती थी, लेकिन वॉइस क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बुरी होती थी। वॉइस क्वालिटी आपको सुनाई देती थी लेकिन उसमें पीछे से कोई नॉइज़ आता, कोई बाहर काम चल रहा है या कोई डॉग भौंक रहा है, कुछ उसका साउंड आता, फिर उसको आपको देखने में मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए दोस्तों बदलते टाइम के साथ बदलना भी चाहिए। तो भी दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ख़रीद लिया ये बोया का BYM1 माइक, क्योंकि समय के साथ तो बदलना सभी को चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा चैनल भी थोड़ा बहुत ग्रो हो गया और मेरा चैनल भी मोनिटाइज हो गया, और मोनिटाइज होने के बाद कुछ डॉलर भी आ गए। लेकिन दोस्तों इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे जो वीडियो की थोड़ी वॉइस क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, इसीलिए मैंने इस माइक को ख़रीद लिया। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने कुछ ही दिन पहले कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाला था कि 1 का स्पेशल वीडियो आपको किस टॉपिक में देखना चाहिए, देखना अच्छा लग गएगा। तो फ्रेंड्स आपने सारे वोट दिया था ज़्यादातर वो इस माइक का अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने सोचा कि लोग भी इसको देखना पसंद, इसका अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग देखना चाहते हैं और ये मेरा भी काम आ जाएगा, इसीलिए दोस्तों मैंने इसको खरीद लिया। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी देरी बाद आप इसका फुल अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग वीडियो देखने वाले हो। तो फ्रेंड्स इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे हो, और चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते ऑल पर। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक तो अभी से कर लो। तो चलो दोस्तों अब हम इसका अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग वीडियो देख लेते हैं। तो फिर चलो। तो फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट की कुछ इस तरीके से बढ़िया पैकेजिंग में ये आया है। फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम इसको खोल लेते हैं। पैकेजिंग मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। पैकेजिंग को हम कुछ इस तरीके से इसका सेलो टेप को खोल लेते हैं, फिर ये आसानी से बाहर निकल आया। तो फ्रेंड्स अंदर कुछ बिल है। तो फ्रेंड्स इस माइक को मैं ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से 575 रुपये में, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम हमारा मेन यूनिट यानी कि इस माइक को निकाल लिए है बॉक्स के बाहर। तो फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग को अब हम साइड में रख देते हैं और बोया का पैकेजिंग को हम ओपन कर लेते हैं। इधर आप देख सकते हो बोया BYM1 माइक, इसका डिटेल्स बॉक्स के ऊपर ही छापा हुआ है, आप देख सकते हो बॉक्स अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स ये इसको आप अपने मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हो, अपने टैब से भी, इसे लैपटॉप से भी, DSLR कैमरा के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। पीछे की ओर फीचर दी हुई है, आप पढ़ सकते हो इधर क्लिपिंग इन स्मार्टफोन, DSLR कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PC एक्सेट्रा के लिए ये है, जो कि आप इधर पढ़ सकते हो स्क्रीन को और मतलब पॉज कर कर। तो फ्रेंड्स अब इनको हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये निकल आया इसका ऊपर का पार्ट। तो फ्रेंड्स अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल दिख रही होगी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको पहले एक पाउच मिलती है, इसके अंदर मेन यूनिट होगा, और फ्रेंड्स इधर आपको वारंटी कार्ड मिलता है लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको हम साइड में रख लेते हैं। और बोया का ये यूज़र मैनुअल है जो कि इस माइक के लिए है, आप इसको पढ़कर इस माइक को कैसे चलाते हैं आप इसको सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स इधर डिटेल में लिखा हुआ है कि ये माइक किस किस तरीके से वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें स्पेसिफिकेशन भी है। तो फ्रेंड्स मेन यूनिट यानी कि माइक को हम बाहर निकलते हैं, इसका जो पैकेजिंग है बोया का वो बहुत ही ज़्यादा लेदर की क्वालिटी मुझे लग रहा है, जो कि ये पाउच है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको खोल लेते हैं पाउच से। तो फ्रेंड्स अंदर हमें दिख गई बोया का BYM1 माइक। तो फ्रेंड्स अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसके अंदर बहुत ही लंबा वायर लगाया हुआ है, जितना इतना वायर मुझे नहीं लगेंगी,
इसको मुझे लपेट कर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का चीज़ मिलती है, एक फोम मिलती है जो कि माइक के ऊपर लगेगा, कुछ इस तरह का ये माइक के ऊपर लगाने के लिए फोम आपको दी हुई है। मैं आपको फोकस करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का, जिससे कि बाहर की नॉइस इससे अटक जाएगी। और कुछ इस तरीके का पिन टाइप का मिला है और एक LR44 बैटरी जिसको कि हम मैंने निकाल ली है। तो फ्रेंड्स अब हम इनको साइड में रखते हैं और फिर हम माइक की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स माइक आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, आपको कुछ इस तरह का कीचड़ टाइप का मिलेगा जिसमें ऊपर बोया की ब्रांडिंग की गई है। दोस्तों आप इस माइक को खरीद कर इसके ऊपर का जो QR कोड दिया हुआ है उसको स्कैन कर जरूर से देख लेना कि ये रियल है या फेक है। आपको वेबसाइट खोलकर इसको दिखाई दे देगा दिस इज़ जेनुइन, अगर नहीं होगा ये जेनुइन तो फिर आपको उल्टा सीधा दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके का लंबा वायर से मेरा काम चल जाएगा और एक धर का वायर मैंने खोलना ही नहीं पड़ेगा। ये है मेन माइक जो क्या कुछ इस तरह का माइक आपको हेडफोन में भी लगा हुआ मिलेगा, लेकिन वो बहुत ही छोटा माइक होगा। और ये क्लिप आपको मिल जाता है कॉलर में लगाने के लिए और इधर फोम कुछ इस तरीके से आपको इंसर्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर, जिससे कि बाहर की नॉइस कैंसिल हो जाएगी। और फिर इस क्लिप को आप अपने कॉलर में लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी जो वायर आपको दिखाई दे रही है ये मुझे नहीं काम में आएंगी, इसको मैं इससे ही लगा दूंगा। और जो एक पिन है आपको कुछ इस तरीके से स्मार्टफोन में लगा लेना है। फिर आपको कैमरा अगर सपोर्ट करता है तो फिर आप इससे वीडियो बना सकते हो, या सपोर्ट नहीं करता तो फिर आप ओपन कैमरा नामक एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इधर आपको स्मार्टफोन और कैमरा के लिए ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल मैं स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा, इसीलिए मैं स्मार्टफोन को सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो या कुछ करते हो ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स आपको इसके अंदर जो बैटरी मिलती है LR44 उसको आपको इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और अगर DSLR में या कोई कैमरा से करते हो रिकॉर्डिंग तो फिर आपको सेल है इसको आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने इसको इंसर्ट कर लिया है, लेकिन मैं इसमें इसको स्मार्टफोन से ही वीडियो शूट करूंगा। तो फ्रेंड्स इसको हम कैप को लगा देते हैं। ये मेटल की कैप आपको दिखाई दे रही है और ये हैवी। तो फ्रेंड्स कुछ ही देर में हम इसका टेस्टिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलो दोस्तों इसका हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि आप इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देख चुके हो, तो फ्रेंड्स आप इसका हम टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो वॉइस क्वालिटी आप सुन रहे हो ये बिना माइक की है, क्योंकि माइक का पिन मैंने हटा लिया है। बिना माइक के कुछ इस तरीके का वॉइस क्वालिटी आती है। तो फ्रेंड्स इसको तो मैं सुन नहीं सकता, जब मैं एडिटिंग करूँगा तभी सुन सकता हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का वॉइस क्वालिटी आती है बिना माइक के। और तो फ्रेंड्स अब हम इस माइक को इधर लगा देते हैं और देखते हैं कितना वॉइस क्वालिटी में इम्प्रूव आता है। जब मैं एडिटिंग करूँगा तभी मैं सिर्फ इसको देख पाऊँगा। तो फ्रेंड्स अब वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप वॉइस क्वालिटी आपको पिछली जो क्लिप दिखाई मैंने उससे ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।